हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको 12+12 स्टेटर की कॉपर वाइंडिंग करके दिखाऊंगा, फुल कंप्लीट स्टेटर कटिंग से लेकर पेपर डालकर वाइंडी तक दिखाऊंगा आपको। कितने टन कौन सी कोयल में डालते हैं, स्टार्टिंग में, रनिंग में कितने कितने में डालता हूँ। वीडियो में लास्ट तक बना रहे। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं इसको कटिंग करता हूँ। कटिंग के लिए मेरे पास ये पाई का कटर है, एक प्लास की ज़रूरत पड़ती है, एक पेचकस की। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। स्टेटर की कटिंग हो चुकी है, पूरी सफाई हो चुकी है। अब इसमें पेपर सेट करते हैं हम। इसमें मैंने सभी में पेपर लगा दिए। मैं प्लास्टिक के पेपर कम यूज करता हूं, जो कागज वाले आते हैं वो यूज करता हूं। इसकी मैंने अंदर की कोयल में पेपर लगा दिया, आप देख सकते हो ये। अब मैं इसको मशीन पे सेट करता हूँ। हैंड वाइंडिंग मशीन है ये। मैंने स्टेटर मशीन पर सेट कर दिया है। 370-390 टन मैं इसमें डालने जा रहा हूँ। 35 नंबर वायर से है ये, मेरी वायर रखी हुई है कॉपर का वायर बंडल। मैंने कंप्लीट सेटिंग कर दी है। एक दो टन ऐसे हाथ से डालने हैं दोस्तों, उसके बाद ये स्टार्ट कर देना है। ये मशीन बहुत अच्छी है, वायर वायर कुछ देखने का इसमें ज़रूरत नहीं होता है। इसकी फिनिशिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट करके, कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। ये एक बार में घूमने पर 10 टन के करीबन भर देती है। ये दूसरी कॉइल भरनी स्टार्ट कर दी है। अंदर की वाइंडिंग हो चुकी है कंप्लीट, पेपर भी मैंने लगा दिए। फिनिशिंग आप देख सकते हो कैसी आई है इसमें। ये रनिंग की भी मैंने वाइंडिंग कर ली है फ्रेंड।
अब कनेक्शन निकाल के वार्निश करके आपको दिखाता हूँ।